हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि आर्डिनो का यूज़ करके हम किसी भी सेंसर के थ्रू किसी एक्चुएटर को कैसे कंट्रोल करें। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी सेंसर का डेटा कैसे रीड किया जाता है, तो अब जो डेटा हमें लास्ट टाइम मिला था उस डेटा का यूज़ करते हुए हम उस आर्डिनो के थ्रू किसी एक्चुएटर को कंट्रोल करेंगे कि किसी डिवाइस को कैसे ऑन ऑफ हम कर सकते हैं यूजिंग एनी सेंसर एंड आर्डिनो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कोड हमने लास्ट टाइम अपलोड किया था, ये चेक किया था हमने कि इस कोड से हम किसी भी सेंसर का डेटा रीड कर पा रहे थे। अब देखो, हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल में हम गए थे बेसिक्स में, डिजिटल में, डिजिटल के अंदर हमें मिला था डिजिटल इनपुट। तो डिजिटल इनपुट में हमें जो कोड मिला था उस कोड को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ। ये कंप्लीट कोड में एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पर हम इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। एंड अब ये जो डिटेल है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये हमारा कोड है। अब देखो, इस कोड के अंदर हमने क्या किया है, लास्ट टाइम ये तो हमें पता था कि जो पिन हमें इनपुट के लिए यूज लेनी है वहाँ पर हम ये लिख देंगे, और जहाँ पर आउटपुट के लिए यूज़ करनी है उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखो, यहाँ पर इनपुट आउटपुट कैसे डिसाइड होगा, सेंसर किस तरीके से काम करेगा, किसी भी आर्डिनो में एज अ इनपुट काम करेगा। तो इनपुट हमारा, जैसे मान लो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, आप किसी भी डिजिटल पिन पे इसको लगा सकते हैं 0 से लेकर 13 तक, बट कोई भी एक पिन इनपुट और आउटपुट दोनों एक साथ काम नहीं कर सकती। आपने अगर जैसे मान लो यहाँ पर 2 ले लिया तो आप इसके अंदर 2 नहीं ले सकते हैं। तो अभी जैसे मान लो यहाँ पर इनपुट के लिए हमारे पिन नंबर 2 है और आउटपुट के लिए पिन नंबर 13 है, हम सेम यही कोड यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर ये डेटा को रीड कर रहा है सेंसर के डेटा को, एंड सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट भी कर रहा है। तो आप सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करना चाहते हैं तो इस कोड को इसी तरीके से रख सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमें जो कोड अब एक्स्ट्रा जो मिला है वो है ये, जो हमारे एक्चुएटर को कंट्रोल करेगा। तो किस तरीके से हम हमारे एक्चुएटर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो हमने एक कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ किया है इफ एल्स, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जनरली क्या हो रहा है कि जो जैसे सेंसर वैल्यू जो थी, इस सेंसर वैल्यू के अंदर हमारा डेटा स्टोर है, यहाँ पर हमने डेटा को स्टोर कर दिया इसके अंदर। अब हम चेक करेंगे कि जो सेंसर की वैल्यू है अगर वो हाई है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है सेंसर वैल्यू इज इक्वल टू हाई, तो डिजिटल राइट लो, डिजिटल राइट लो का मतलब क्या है कि जो पिन नंबर 13 है वहाँ पर लो सिग्नल चला जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है, एल्स का मतलब क्या है, नहीं तो पिन नंबर 13 पे हाई चला जाएगा। तो ये कोड अभी आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई इशू नहीं है, बस सिंपल सा एग्जांपल आपको इतना सा ध्यान रखना है, अगर सेंसर से हमें हाई सिग्नल मिल रहा है तो पिन नंबर 13 जो है वहाँ पर लो सिग्नल चला जाएगा, और अगर हाई सिग्नल नहीं मिल रहा है, हाई सिग्नल नहीं मिलने का मतलब क्या है, वहाँ पर लो सिग्नल मिल रहा है तो पिन नंबर 13 पर क्या चला जाएगा, हाई सिग्नल। तो ओवरऑल इस कोड का मतलब ये है कि अगर हमें सेंसर से हाई सिग्नल मिल रहा है तो पिन नंबर 13 पे हमें लो सिग्नल मिलेगा, और सेंसर से हमें लो सिग्नल मिल रहा है तो पिन नंबर 13 पर हमें हाई सिग्नल मिलेगा। तो इस कोड को हम अपलोड करेंगे, देन उसके बाद में हम इस आर्डिनो का सर्किट बनाते हैं एंड इसको चेक करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो पहले आप चाहे तो कोड अपलोड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम कोड अपलोड कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, कोड हमारा अपलोड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंसर का कनेक्शन कर लेते हैं। सेंसर के लिए वही हमारी 3 पिनें काम आएगी। देखो, सबसे पहले हम एलईडी को ऑन ऑफ करके देखेंगे, देन उसके बाद में रिले को भी ऑन ऑफ करके देखेंगे। तो ये तीनों पिन हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, जिसमें से हमारी VCC कनेक्ट होगी 5 वोल्ट पे, ये हमारी 5 वोल्ट पिन, एंड ग्राउंड कनेक्ट होगा ग्राउंड में, एंड जो सिग्नल पिन है वो इस बार है हमारी पिन नंबर 2 पे, तो यहाँ पर मैं इसको 2 पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सारे कनेक्शन इसमें कर दिए हैं। अब देखो, जैसे ही ये डेटा को रीड करेगा, IR सेंसर रीड करेगा, उसके अकॉर्डिंग आर्डिनो वर्क करेगा। अब हमने क्या किया, पिन नंबर 13 पे हमें एक्चुएटर को कनेक्ट करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस LED को पिन नंबर 13 पे आपको कनेक्ट करके बताता हूँ कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है।
अब देखो पिन नंबर 13 पे कनेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो एलईडी है इसमें जो पॉजिटिव वाला लैग है उसको पिन नंबर 13 पे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि जैसे हाई सिग्नल आएगा तो इसको ये एलईडी ऑन हो जाएगी और जैसे लो सिग्नल आएगा तो ये ऑफ हो जाएगी। और इसका जो दूसरी वाली पिन है उसको हम ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे, तो पिन नंबर 13 के पास हमारे ग्राउंड भी अवेलेबल है, तो हम इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो बड़ा वाला जो लैग है वो पिन नंबर 13 में कनेक्ट है और छोटा वाला लैग ग्राउंड में कनेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। एलईडी कई बार जैसे आप डायरेक्टली लगाएंगे तो हो सकता है आपकी एलईडी खराब हो जाए, तो उस केस में आप रजिस्टर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, साथ में एक ब्रेडबोर्ड यूज कर लो जिसमें रजिस्टर के थ्रू इसमें कनेक्शन कर सकते हैं, या फिर जैसे अगर ऑन भी हो रही है तो डायरेक्ट 5 वोल्ट में लगाने से क्या एलईडी की लाइफ भी कम हो जाती है, ये तो खराब हो जाएगी या फिर उसकी लाइफ कम होती जाएगी, ज्यादा टाइम तक वो काम नहीं करेगी। बट अपन अभी एक बार एग्जांपल समझ रहे हैं इसलिए हम डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एलईडी मैंने कनेक्ट कर दिए। अब देखो अभी क्या हो रहा है कि इस सेंसर से क्या डेटा रीड हो रहा है। अभी इस सेंसर से हमें डेटा मिल रहा है हाई सिग्नल, क्योंकि जब भी आईआर सेंसर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो वो हमें हाई सिग्नल देता है। तो अभी इसे हाई सिग्नल मिल रहा है तो हमारी एलईडी क्या है लो सिग्नल पे, लो सिग्नल यानी इसको 0 वोल्ट मिल रहा है इसलिए ऑन नहीं हो रही। अब जैसे ही देखो मैं सेंसर के सामने हाथ लेके आता हूँ एलईडी ऑन हो जाती है, ये देख रहे हैं आप एलईडी यहाँ पर ऑन हो जाती है जैसे ही सेंसर के सामने हाथ लाता हूँ। तो ये सेंसर किस तरीके से वर्क करता है, जैसे ही हम इसके सामने हाथ लेके आते हैं तो ये लो सिग्नल प्रोवाइड करता है, और हमने कोड में इस तरीके से लिखा है कि अगर लो सिग्नल मिल रहा है तो हमें पिन नंबर 13 पे हाई सिग्नल देना है, तो इस तरह का ये कोड लिखा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है हमारी एलईडी ऑन हो रही है जब भी हम इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। अब आप एलईडी भी ऑन करा सकते हो, ये एलईडी नहीं तो आप किसी और भी एक्चुएटर को ऑन ऑफ करा सकते हो। अब हम क्या करते हैं इस रिले को ऑन ऑफ करके देखते हैं, जिसका यूज करके हम किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ करा सकते हैं, इवन किसी बल्ब को या फिर आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है उनको हम ऑन ऑफ करा सकते हैं। तो एक बार रिले को भी कंट्रोल करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 जम्पर केबल लेंगे एंड रिले की जो तीनों पिन होती है उस पर हम कनेक्ट कर लेंगे, जिसमें से एक ग्राउंड है, एक वीसीसी एंड एक इनपुट पिन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वीसीसी और ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर आर्डिनो में हमारे पास 5 वोल्ट की एक ही पिन अवेलेबल है, कुछ कुछ आर्डिनो बोर्ड आते हैं जो जिसमें एक्स्ट्रा 5 वोल्ट पिन्स भी आती है, बट इसके अंदर नहीं है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो रिले है इसकी वीसीसी को हम कनेक्ट कर सकते हैं वी इन के अंदर। आर्डिनो की जो वी इन पिन है ये क्या करती है, यहाँ से जो इसको इनपुट मिल रहा है उस पे ये ऑपरेट होती है। तो यहाँ पर जैसे मान लो उसको 12 वोल्ट मिल रहा है तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट मिलेगा। तो अगर आप इसको अभी तो कनेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आपकी रिले 12 वोल्ट पे काम नहीं करती है तो उस केस में आप इसको यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर सकते। तो अभी तो क्या है कि इसको लैपटॉप से पावर मिल रही है तो ये 5 वोल्ट पावर सप्लाई पे ही काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसको पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे एंड यहाँ पर ग्राउंड। अगर जैसे मान लो आपको और भी पावर सप्लाई के लिए और भी पिनें यहाँ पर कनेक्ट करनी है 5 वोल्ट के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हैं इसके पास में ब्रेडबोर्ड लगा लो और इसकी जो 5 वोल्ट सप्लाई है उसको ब्रेडबोर्ड में लेके मल्टीपल पिंस वहां पर आप कनेक्ट कर सकते हो। देखो रिले में लाइट आ चुकी है, मतलब हमारी रिले ऑन हो गई, पावर सप्लाई से मिल चुकी है। और ये जो इनपुट है, इनपुट किसके लिए है, ये रिले के लिए इनपुट है और आर्डिनो के लिए क्या है आउटपुट। तो आर्डिनो का आउटपुट है पिन नंबर 13 पे, तो पिन नंबर 13 पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो चेक करते हैं क्या होता है, आपको रिले की आवाज़ से भी पता चल जाएगा और इसमें जो लाइट आती है उससे भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। तो देखो जैसे ही हम इसके सामने सेंसर के सामने हाथ लेके आते हैं रिले ऑन ऑफ हो रही है हमारी, क्यों हो रही है, क्योंकि जैसे इसके सामने हम हाथ लेके आते हैं तो यहाँ से लो सिग्नल जाता है और रिले के पास क्या जाता है हाई सिग्नल, तो हाई सिग्नल और लो सिग्नल बार बार जाने से ये ऑन ऑफ होती है। तो आप इस तरीके से रिले को भी ऑन ऑफ कर सकते हो, रिले पे कोई भी आप कंपोनेंट लगा के उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंसर का डेटा रीड करके और उसे हम एक्चुएटर को कंट्रोल कर सकते हैं उसका यूज करके। अब देखो कुछ प्रोग्रामिंग में मैं कुछ आपको चीजें बता देता हूँ जो कि समझने के लिए जरूरी है। जैसे कि मान लो अभी हमने ऐसा किया था कि अगर सेंसर से हमें हाई सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, अब देखो पहले तो अपन ने यहाँ पर लिख रखा है हाई, आप हाई की जगह यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन ने देखा था कि हाई सिग्नल जब भी आ रहा था तो सीरियल मॉनिटर पे वो 1 दिखा रहा था और जब लो सिग्नल आ रहा था तो 0 दिखा रहा था। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सेंसर की वैल्यू अगर हाई हो, तो यहाँ पर जैसे सिग्नल आ रहा है लो
तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, जब सेंसर की वैल्यू हाई हो तो आपको सिग्नल भी हाई चाहिए, तो आप यहाँ पर हाई लिख दो और नीचे वाली लाइन में लो लिख दो। कहने का मतलब है ये जो लाइन है वो कब एग्जीक्यूट होगी, जब ये हाई होगा, सेंसर की वैल्यू जब हाई होगी तब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो आपको मान लो ये सेम जो वर्किंग है वो लो सिग्नल पे करनी है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, जब भी यहाँ पर लो सिग्नल होगा तब डिजिटल राइट लो, मतलब पिन नंबर 13 भी लो हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो पिन नंबर 13 हाई रहेगी। तो आप ये हाई और लो चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। और डिजिटल राइट में जब आप लिखते हैं तो यहाँ पर लो और हाई लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 1 और 0 और 1 आप यहाँ पर नहीं लिख सकते, बट ये जो कंडीशन वाली जो जगह है यहाँ पर आप 0 और 1 लिख सकते हैं। बस ये सिंपल कोड है, और अगर आपको कोड नहीं समझ में भी आया तो बस जैसा आप इस चेंजेस को ध्यान रखिए कि आपको सेंसर का डेटा लो होता है तब आपको कोई काम कराना है, या फिर हाई होता है तब आपको कोई काम करवाना है, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंसर का डेटा यूज़ करके किसी एक्चुएटर को कैसे ऑन ऑफ कराया जाता है वो हम यहाँ पर इस कोड के थ्रू समझ सकते हैं। तो इस कोड को अपलोड करके आप जैसे हमने अभी तक कई सारे अलर्ट सिस्टम वगैरह बनाए, तो उस तरह के सिस्टम आप बना सकते हो। क्योंकि अब यहाँ पर जैसे मान लो एक फिक्स्ड ऑटोमेशन जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि एक रिले का यूज हमने किया था एंड जस्ट सेंसर को डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर दिया था। ये जो सेंसर था ये डायरेक्टली हमने रिले से कनेक्ट किया था और रिले किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ कर रही थी, बट इस केस में यहाँ पर आ गया एक प्रोग्रामेबल कंट्रोलर, तो रिले भी हमारा क्या हो गया, एक एक्चुएटर। ये कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं था, अब ये हो गया एक एक्चुएटर। तो रिले से सेंसर से रिले को कैसे ऑन ऑफ कराया जाता है ये हमने अभी सीखा है। तो देखो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब इस सेंसर से डायरेक्टली भी रिले ऑन ऑफ हो रही थी तो हमें आर्डिनो की क्या जरूरत है। तो देखो ये सिर्फ समझाने के लिए कॉन्सेप्ट था। रियल में जैसे मान लो मल्टीपल एप्लीकेशन आपको करने हैं, कि जैसे मान लो इस आईआर सेंसर से हमें ये रिले ऑन होनी चाहिए या फिर कोई और रिले ऑफ होनी चाहिए, या कुछ ऐसे आपको बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना हो, कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना हो, तो उस केस में प्रोग्रामिंग काम आती है। तो ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है, ऑल्दो आप इस सेंसर से भी डायरेक्ट रिले को ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट मान लो कोई ऐसा डिवाइस है जिसको आप ऑन ऑफ नहीं कर पा रहे इससे, या फिर कंपेटिबल नहीं है वो इससे, इसका जो सिग्नल है वो इसको ऑन ऑफ नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे कई सारे इश्यूज आ सकते हैं और कई सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पर ये काम आएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, प्रोग्रामेबल बोर्ड यूज कर सकते हैं और किसी भी सेंसर का डेटा रीड कर सकते हैं एंड एक्चुएटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने सीखा है आर्डिनो में वो हमने क्या सीखा कि किसी भी सेंसर का डेटा कैसे रीड किया जाता है, स्पेशली डिजिटल सेंसर हमने अभी तक सीखा है। तो डिजिटल सेंसर का डेटा कैसे रीड किया जाता है एंड उस सेंसर से जो हमें वैल्यू मिल रही है उस वैल्यू से कैसे किसी एक्चुएटर को कंट्रोल किया जाता है या फिर उसको ऑन ऑफ किया जाता है। तो इस चैप्टर में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।